बांग्लादेश आजकल चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस सब घटनाक्रम के बीच इस साल होने वाले T20 महिला विश्व कप पर भी संशय का साया मंडरा रहा है। इसे देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने देश के सेना प्रमुख से 3 से 20 अक्टूबर के बीच होने वाले महिला T20 विश्व कप के आयोजन के लिए सुरक्षा का आश्वासन मांगा है। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश के 2 शहरों सिलहट और मीरपुर में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के अभ्यास के मैच 27 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बेकर उज़मान को लेटर लिखकर टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सुरक्षा आश्वासन मांगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग बोर्ड यानी ICC भी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखे हुए है, जहाँ सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। अगर बांग्लादेश के हालात बेहतर नहीं होते हैं तो ICC इस टूर्नामेंट के किसी अन्य देश में आयोजित करा सकता है और ऐसे में उसके पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका विकल्प होंगे। BCB एम्पायरिंग कमेटी के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद मिठू ने कहा, हम टूर्नामेंट की मेज़बानी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ICC महिला T20 विश्व कप की सुरक्षा को लेकर आश्वासन मांगने के बारे में सेना प्रमुख को एक लेटर भेजा है, क्योंकि हमारे पास अब केवल 2 महीने का समय बचा है। पता चला है कि ICC बांग्लादेश में मैदान की स्थिति का आकलन करने के बाद टूर्नामेंट के स्थल पर निर्णय लेने से पहले 10 अगस्त तक इंतज़ार करेगी। वर्तमान में बांग्लादेश में विरोध और हिंसा जारी है। इसके चलते वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आनन फानन में इस्तीफा देते हुए देश छोड़कर भारत में शरण ली है। बांग्लादेश की भीड़ ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास आलीशान गढ़ भवन में भी धावा बोला। उन्होंने जमकर लूटपाट की और TV, फर्नीचर और कई अन्य सामान, यहां तक कि कपड़े भी ले गए। साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले बंगबंधु के नाम से मशहूर मुजीबुर रहमान से जुड़ी सभी यादों को जला दिया गया। इसके अलावा शहर के चौक चौराहों पर लगे मुजीब की मूर्तियों को भी ढा दिया गया। ऐसे में सभी खेल प्रेमी बांग्लादेश के हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अगर इस बार बांग्लादेश में ये वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं होता है तो ये बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी निराशा की बात होगी। खैर, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे भी कोई अपडेट आती है हम फौरन आपको पहुंचाते हैं।